चलिए नमस्कार स्टूडेंट्स। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, कैट, मैट और जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है जहां पर इंग्लिश में कुछ एरर सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए है। मेरा नाम योगेश कुमार और मोर देन 17 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम मुखर्जी नगर दिल्ली। आप सब लोगों के लिए मैं एक ऐसा सेशन लेके आऊँ जो आपको काफी हेल्पफुल होगा। अब इस सेशन में ऐसा खास किया है दोस्तों, आपने एरर्स बहुत सारे पढ़े होंगे। जब एरर्स पढ़े होंगे तो माइंड में आता होगा, सर जब हम एग्जाम देने गए तो वही एरर आ गए जो मैंने उस बुक से पढ़ा था। और लेकिन ऐसे स्टेटमेंट सुनने को कम मिलते हैं क्योंकि हर बार एग्जामिनर जो है एरर को नए फॉर्मेट में देता है। मतलब हमारा क्वेश्चन जो होता है वो हमें आता तो होता है लेकिन हमने इतने ज्यादा एरर्स को रट लिया होता है कि जब नया एरर आता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं दोस्तों। क्योंकि ज्यादातर एरर जो बुक के अंदर मिलते हैं वो कॉपी पेस्ट मिलते हैं और एजुकेटर्स भी उन्हीं एरर्स के एग्जाम्पल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं दोस्तों। तो आज का सेशन आपको काफी हेल्पफुल होगा, कोशिश करेंगे इस सेशन को समझने की। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। चले करते हैं हम पहला सेशन, पहला एरर जो हमारे आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चले, और ये जो सेशन लिया गया दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है? ये ना हिंदू एडिटोरियल से लिया गया है। उसकी डेट भी डाल दी गई है और उसका टाइटल भी डाल दिया ताकि आपको समझ में आ सके कि हमने किसी बुक से कॉपी पेस्ट नहीं किया है और कुछ एरर्स को डेवलप किया है और उस विद आंसर विद लॉजिक आपको दिया जाएगा। तो लास्ट तक रहिएगा, आपको हर स्लाइड में एक नया क्वेश्चन सीखने को मिलेगा और काफी हेल्पफुल होगा दोस्तों आपके लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला जो सेंटेंस दिया गया है उसमें एक छोटा सा एरर दिया गया। अब कैसे आप पढ़ रहे हैं वो समझ लीजिए कि ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें एरर है और जो नीचे वाला पार्ट है वो राइट आंसर है। तो समझ तो आ गया होगा लेकिन हम इसके लॉजिक को भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब वो लॉजिक नहीं समझेंगे तो हमें ये क्लियर नहीं होगा कि करना क्या था। अब देखिए यहां पर जो है हमने द बिगेस्ट को यूज कर दिया दोस्तों, और आंसर के अंदर देखें तो बिगेस्ट से पहले द नहीं लगाया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि सर हमने एक रूल पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं। यस दोस्तों, मैं भी यही कहूंगा कि बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज द, लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है कि जब आप द लगाने जा रहे हैं दोस्तों तो उसके साथ आपको एक पॉइंट ध्यान रखना होता है कि दा के साथ सुपर एटी डिग्री तो लगता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देनी चाहिए कि इसके साथ आपको हमेशा एक नाउन भी यूज करना होता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो बिगेस्ट के बाद कोई नाउन नहीं है दोस्तों। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट के अंदर भी एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया आपको। 11 अपोजिशन पार्टीज विच दैट हु, रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, माइंड में घंटी भी बज गई होगी और आंसर तो आपने देख लिया होगा। मुझे मालूम है कि आप स्मार्ट हैं काफी और फटाफट देख लेते हैं कि हाँ, फिर फटाफट बोल देंगे सर विच तो आना था क्योंकि आंसर आप देख चुके हैं। आने वाले टाइम में मैं ऐसे क्वेश्चन भी लाऊंगा जिसमें आंसर नहीं दिया होगा। तो हु तो आपका कट गया क्योंकि आप कहेंगे सर हु तो सर हम किसी पर्सन के साथ लगाते हैं, बिल्कुल सही का। अब क्वेश्चन ये आता है कि विच और दैट में से ऑप्शन क्या आना चाहिए था। दैट भी सिमिलर लग रहा है, 11 अपोजिशन पार्टीज विच हैव नाउ फाउंड, तो या दैट हैव नाउ फाउंड। अब यहां पर जो पूरा कंसर्न है हम उन पार्टीज की बात कर रहे हैं, क्लियर हुआ, इसलिए हम दैट पे काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही सोचा आपने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। इसी का एक क्वेश्चन और दिया गया, एजिटेशन। अब एजिटेशन का मतलब है गुस्सा। अब मान के देखिए आपको संडे ऐसे दे दिया जाता तो बाद में पता चलता है इसमें कि एस लगाने का एरर था। अब आप कहेंगे सर एस क्यों लग गया? तो दोस्तों ध्यान से देखिए, पार्ट ऑफ ए प्लान फॉर नेशन वाइड। अब जो पूरा कंसेप्ट है वो नेशन वाइज एजिटेशन, गुस्से की बात की गई है। तो गुस्सा एक नहीं है, वो गुस्सा एक नहीं है, तो वो जो एजिटेशन है वो प्लुरली यूज किया गया। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपका नाउन का एरर बन गया, बच्चा फंस गया यहाँ पर। कॉलिंग फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द पीटीए गवर्नमेंट ओवर लॉ एंड ऑर्डर फूड शॉर्टेज, बिल्कुल सही पहचाना। अब आप कहेंगे सर फूड शॉर्टेज तो सही लग रहा है लेकिन अगर आप देखें तो ये भी गलत है दोस्तों। फूड शॉर्टेज हो सकता था अगर मैं इससे पहले आ आर्टिकल यूज कर लेता दोस्तों, तो ये फूड शॉर्टेज हो जाता, काउंटेबल हो जाता। इन्फ्लेशन,
एंड गैस कट। अब माइंड में फिर आ गया सर ऐसे एरर भी आ जाते हैं पेपर में, बिल्कुल आ जाते हैं दोस्तों। अब कट जो है, कट एक वर्ब है। अब गैस तो किसी चीज को काट रही है, इसका मतलब तो ये है ये गैस ने काटा था, क्योंकि कट की सेकंड फॉर्म भी कट होती है। अब यहां पर एंड लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, एंड लिखा हुआ और एंड के पहले इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मीनिंग आपको क्लियर ही होगा, महंगाई जिसे कहते हैं। अब एंड के इधर नाउन है तो उधर भी तो दोस्तों नाउन चाहिए था, इसलिए गैस कट की जगह क्या करना पड़ा हमें, गैस कट्स, शॉर्टेजेस और एजिटेशंस। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। छोटे छोटे एरर, छोटे छोटे स्पेलिंग, छोटे छोटे वोकैब से रिलेटेड कंसेप्ट स्टार्ट करें, धीरे धीरे हम उसको ग्रेजुअली टफ लेवल की तरफ ले चलेंगे दोस्तों। और अगर आप बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए सेशन काफी हेल्पफुल है। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि आप हर स्लाइड को नीचे थोड़ा छुपा कर, अपने हाथ से जब आप मोबाइल ले रहे हैं ना, थोड़ा सा छुपा कर देखें, उसमें देखें कि आपको एक बार में क्वेश्चन नजर आया, आंसर नजर आया या नहीं नजर आया दोस्तों। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट पर आते हैं। दे हैव कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर बोथ अ फेलियर एट गवर्नेंस एज वेल एज द मिलिट्री पपेट। माइंड में तो आंसर आ ही गया होगा, नीचे लिखा भी हुआ है, लेकिन लॉजिक समझना तो दोस्तों, क्या वो लॉजिक आपके माइंड में स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो फिर वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात थी। मैं हल्का सा हिंट जरूर दे देता हूँ और आपको पता भी है वो। तो दोस्तों ये जो बोथ था, इसी ने बताया कि बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता है, हमेशा बोथ के साथ एंड का यूज किया जाता है दोस्तों। एक कोर रिलेटिव कंजंक्शन का एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। कितनी जल्दी आप स्ट्राइक कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है। चलिए दोस्तों, सारे जो है पॉइंट है वो उसी आर्टिकल से, जो आपने स्टार्टिंग में देखा उसी आर्टिकल से निकाले गए हैं। आप गो थ्रू भी कर सकते हैं, जब आप इस सेशन को गूगल करके देखेंगे तो आपको नजर भी आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। What has surprised many is their solidarity as well as the sharpness of their attack. अब छोटा सा क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि इस पूरे जो स्टैंजा है या पूरा जो पार्ट है उसके अंदर ज्यादातर सिर्फ नाम और डेजिग्नेशन दिए गए हैं, इसलिए सेंटेंस तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन यह है छोटा सा ही। What has surprised many? अब जैसे ही बच्चे ने क्या देखा दोस्तों, जैसे ही उसने मैनी को देखा, अब मैंने सुनते ही माइंड में क्या आ गया, सर प्लूरल है, और मैंने के साथ बच्चे ने आर लगा दिया, बच्चा फंस गया, कंफ्यूजन हो गई। अब जबकि होना क्या चाहिए था, व्हाट हैज सरप्राइज मैनी, यहां पर तो मैनी जो है दोस्तों वो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब जब वो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसका मतलब आपको पहले ये पहचानना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों यहां पर जो वर्ड है वो एक प्रोनाउन या नाउन का काम कर रहा है। अब जब वो सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि व्हाट अगर एक सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब सिंगुलर होगी। तो व्हाट हैज सरप्राइज मैनी इज आर देयर सॉलिडैरिटी की जगह हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इज। वो ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन समझना ये है कि क्या हम इतनी जल्दी उसको स्ट्राइक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनर जब दोस्तों क्वेश्चन बनाता है तो वो ऐसी ना किसी आर्टिकल को न्यूज़पेपर से पिक करता है और उससे क्वेश्चन बनाता है, ना कि आपके वो 150-200 रुपए की बुक को मार्केट में जाता है और वहां से क्वेश्चन बनाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, ये छोटा सा पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें एक वर्ड आपको और जोर दिया गया समझाने के लिए, वो भी देख लीजिए, रिगिंग इलेक्शंस। जो हमारे देश में भी कई बार जब भी इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये वाला वर्ड हर जगह, हर स्टेट में, मैं किसी स्टेट की बात नहीं करूंगा, हर स्टेट में ये क्वेश्चन उठता है कि जो रूलिंग पार्टी थी या रूलिंग गवर्नमेंट थी उसने जो इलेक्शंस को अरेंज किया वो डिसऑनेस्ट तरीके, मतलब बेईमानी थी उस इलेक्शन को अरेंज करने के लिए, इसलिए उसको बोला गया रिगिंग इलेक्शंस। आई होप ये वर्ड याद हो गया हो दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें तीन वर्ड दिए गए हैं, तीनों एक अच्छे वर्ड हैं जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या एंटोसाइनो में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कुछ साइट्स पे रेहट्रिक बोला गया, कुछ ने रेहट्रिक बोला है, तो मैं दोनों प्रनाउंस कर देते हैं, रेहट्रिक रेहटोरिक, तो दोनों ढंग से इसको प्रनाउंस किया जाता है। हमारे देश के अंदर तो रेटोरिक बोला जाता है इसको, इंडिया के अंदर रेटोरिक। तो ये एक रिटोरिक का मतलब क्या है, एक तरह से ये नाउन है क्योंकि इससे पहले दा दिया गया दोस्तों, एक तो ये देख लीजिए। तो इसका मतलब यहां पर जो दिया गया है वो है कि एक स्पीकिंग और राइटिंग, एक लिखने का तरीका जो किसी को इम्प्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड रिटोरिक। तो ये एक वर्ड दिया गया आपको याद करवाने के लिए। इसके बाद एक वर्ब आ गया दोस्तों,
चैफिंग, ये वैसे तो वर्ड होती है, वो चैफ होती है, सी एच ए एफ और ई, ये एक वर्ब होती है, जब इसके साथ आई भी लगा देते हैं तो आपको मालूम है कि ये हट जाते हैं, इसका मतलब है अनोइंग, तो याद रखिएगा। एट द कप्स, और कप्स का मतलब है कंट्रोल करना, प्रतिबंध लगाना, क्लियर हुए दोस्तों? चलिए, ये था एक छोटे से तीन वो कैब आपके समझने के लिए, नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। इस बार दो अच्छे क्वेश्चन। पीटीए गवर्नमेंट रिस्पॉन्स इज ए वेल वॉर। अब वॉर्न सुनते ही माइंड में आ गया होगा कि सर वॉर्न तो वियर की थर्ड फॉर्म में पहनना, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वेल वॉर्न का मतलब एक ऐसा एक फ्रेज है जिसका मतलब है लैकिंग इन क्वालिटीज। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, देखने में इसका सेंस बड़ी पॉजिटिव लग रही है लेकिन एक्चुअल में ये एक नेगेटिव फ्रेज है, लैकिंग इन क्वालिटीज। और दूसरा एक वर्ड दिया गया है कि यहां पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि यहां पर आपको दा लगाना है या कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा। आंसर तो पता ही है कि आंसर आपने यहां पर देख लिया होगा कि आंसर तो दा लगा दिया गया, लेकिन फिर भी क्या स्ट्राइक कर रहा है या नहीं कर रहा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अपोजिशन, अपोजिशन का जो पहला करेक्टर है दोस्तों, दैट इज इन कैपिटल लेटर। अब वो कैपिटल लेटर्स में है तो इसका मतलब ओस जो है कैपिटल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रॉपर नाउन को डिनोट कर रहा है, और जब वो प्रॉपर नाउन को डिनोट कर रहा है तो आपको दा देना पड़ेगा दोस्तों। इसका मतलब हम अपोजिशन एक वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपोजिशन पार्टी की बात कर रहे हैं, अपोजिशन जो एक रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बैठती है पार्लियामेंट के अंदर, उस अपोजिशन की बात कर रहे हैं। मैनी मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन, क्लियर हो गए दोस्तों? तो इस चीज का ध्यान रखिए, छोटे छोटे पॉइंट हम आपको फोकस करवाएंगे, धीरे धीरे हम इन पॉइंट्स को पढ़ाते चले जाएंगे। नेक्स्ट, मैं एक वोकैब दी गई है और एक एरर दिया गया दोस्तों। तो पहला वर्ड आपने सुना होगा एक्स्ट्राडाइट, या इसका एक नाउन है एक्स्ट्राडिशन, जो आपने सुना होगा हमारे विजय माल्या जी जो है उनके ऊपर भी कई बार यूज किया जाता है, वो भी यूके के अंदर ही है। अब यहां पर देखा जाए तो एक्स्ट्राडाइट का मतलब जो आदमी जिस देश का मूल निवासी है दूसरे देश चला गया, और आप दूसरे देश से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे उस सिटीजन को वापस भेज दे ताकि हम उनके ऊपर जो आरोप है वो लगा सकें, उनके ऊपर ट्रायल कर सकें। तो इसलिए जो मिस्टर शरीफ के ऊपर एक्स्ट्राडाइट के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट, चले। इसके बाद एक एरर दिया गया, रिचार्ज एंड ट्राइड अगेन। अब ये एक एरर बन गया, देखिए एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि हुआ या नहीं हुआ, नीचे बिना आंसर देखे हुए मुझे मालूम है आंसर आप जरूर देख लेते हैं। चलिए, अब रिचार्ज एंड ट्राइड अगेन, अब देखिए दोस्तों यहां पर ये री तो नहीं आएगा, अब नहीं आएगा उसके पीछे लॉजिक आपने अगर माइंड में सोच ली है तो बहुत अच्छी बात है। लॉजिक यहां पर दिया गया ऑलरेडी अगेन, अब अगेन दे दिया गया तो ये सुपर प्लेस हो जाएगा दोस्तों, और सुपर प्लेस हो जाएगा तो ऑब्वियसली गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए उसको स्ट्राइक करने की कोशिश करिए कितनी जल्दी स्ट्राइक कर पाते हैं। इसलिए मैंने उस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, ऐसा नहीं कि आपको पूरा सेशन पढ़ना है, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया उस चीज को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब यहां पर जो दिया गया इसके ऊपर तो मार के चलिए, कई एग्जाम में क्वेश्चन आया कि चार्ज के साथ ऑफ लगाना है या विद लगाना है, इस चीज के लिए आपको मैंने बड़ा ही सिंपल सा एक आंसर दे दिया यहाँ पर, सबसे नीचे आके पढ़िए, यहाँ पर एक हिंट दे दिया गया आपको, बी चार्ज्ड विद समथिंग। जब भी आपके ऑब्जेक्ट में अगर आपका आईएनजी वाली वर्ब दी गई है तो हमेशा आप विद लगा दीजिए दोस्तों, आईएनजी वाली वर्ब दी गई है तो हमेशा आपको विद लगाना है, ऑफ नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, चार्ज के साथ, चार्जिंग हिम विद डिसरिस्पेक्टिंग। जिन्नाज मॉज़ोलियम, अब मॉज़ोलियम क्या है ये भी मीनिंग दे दिया गया है आपको, ये टॉम्ब है या समाधि हमारी कल्चर में बोला जाता है इसको, या कब्र बोला जाता है, तो मॉज़ोलियम पे ध्यान रखेंगे, एक अच्छा वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके काम आएगा दोस्तों एग्जाम में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। व्हाट मेड मैटर्स इरप्ट वाज वर। अब जैसे ही बच्चे ने यहां पर मैटर्स का एस देखा तो माइंड में आ गया सर वर होना चाहिए, तो दोस्तों यहां पर जो है क्लॉज का एरर दिया गया है। अब वो जो क्लॉज का एरर दिया गया है उसको ध्यान से देखिएगा, सॉरी बीच में लाइन आ गई थी, व्हाट मेड मैटर्स इरप्ट, ये जो पूरा का पूरा यहां पर दोस्तों
क्लॉज दिया गया है, इस क्लॉज पे ध्यान दीजिए। इसलिए जो ये क्लॉज है, और क्लॉज जो है वो सिंगुलर पे काम करेगा, क्लॉज की भी हम एक स्लाइड लेके आएंगे बाद में जिसमें हम क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट मेड एन अरब वाज वर्ब, तो यहाँ पर एक क्लॉज दिया गया, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो वर्ब नहीं होगा, वो वाज होगा। क्लियर हो गए दोस्तों। इसके बाद आपको एक फ्रेजल वर्ब दी गई है कैरी आउट, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है इसलिए उसके थर्ड फॉर्म को यूज किया गया। कैरीड आउट का मतलब है कंप्लीट, पूरा करना। और आफ्टर द, ये तो मान लीजिए जो CHSL या CTET, PRT या जो बेसिक एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें बच्चा से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आर्मी से पहले दा लगा दिया जाता है, और बच्चा कहता है सर आर्मी से पहले दा आना ही आना है, और वो बेचारा फंस जाता है। जबकि देखा जाए तो इस आर्मी से पहले दा नहीं आएगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी आर्मी नहीं लिखा है, इसने आफ्टर आर्मी रेंजर्स लिखा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आर्मी होता तो डेफिनेटली मैं भी आपको दा या दी, जो भी आप अनाउंस करते हैं, उसको यूज करता। लेकिन यहां पर आपको दा नहीं लगाना होगा, क्योंकि आर्मी रेंजर्स की बात की गई है। दोस्तों ये छोटा सा पॉइंट था। चलिए, आई होप कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और आप इसको जरूर लाइक करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। नेक्स्ट पढ़ाते हैं, इस बार भी आपको दो तीन वोकैब अच्छी दी गई है। एकलांस, एकलांस मतलब ग्रुप, गैंग या लीडर्स, मतलब एक तरह से जत्था कहें हिंदी में, तो हम बेटर वर्ड होगा। वन वर्ड में कई बार ये वर्ड पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। अब एकलांस तो आपका मीनिंग क्लियर हो गया। इसके बाद एक और अच्छा बुक फॉरेन वर्ड, जैसे आपका फ्रेंच वर्ड दिया गया है और इसका मीनिंग दिया गया है एज ए होल, तो ये एक दूसरा वर्ड है आपके समझने के लिए। और इसके बाद वो कहता है एक्सप्रेसिंग देयर डिस्ट्रेस ओवर द ह्यूमिलिएशन मेटेड आउट। अब मेटेड आउट जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है जो मेट आउट से बनी है, मीट आउट नहीं है, इसको प्रोनाउंस मीट आउट भी बोला जाता है कई बार। रेफर टू समथिंग अनप्लीजेंट, जब आप एक अनप्लीजेंट की बात कर रहे हैं तब आप इस वर्ड को यूज करते हैं। वैसे मेट आउट का एक मीनिंग और भी होता है, वो भी जरूर बताना चाहिए। मेट आउट का एक मीनिंग और होता है जिसका मतलब होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। लेकिन इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है, वो भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए उसको भी समझना जरूरी है दोस्तों। तो दूसरा मीनिंग इसका जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूट, और दूसरा मीनिंग आपको क्लियर है जो हमने लिख दिया है ऑलरेडी, समथिंग अनप्लीजेंट। तो आई होप कि आपको इस सेशन समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे हम एक एक करके स्ट्राइक कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक अच्छा मॉडल्स का क्वेश्चन दिए गए आपसे पूछने के लिए। मान लीजिए अगर ये ऐसे चार ऑप्शन दी जाती तो क्या आप डिसाइड कर पाते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आपने देख ही दिया ऑलरेडी, आंसर तो नजर आ ही रहा है, लेकिन हम उसको लॉजिक वाइज समझते हैं क्या होगा। सीन का मतलब जरूर देखा जा चुका होगा। कुड हैव सीन का मतलब देखा जा सकता था। शुड हैव सीन का मतलब देखा जाना चाहिए था। और वुड हैव सीन का मतलब जरूर देखा जा चुका होगा। और अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो सेंटेंस क्या कह रहा है आपको, ये एक अनप्रेसेंटेड रिस्पॉन्स था, मतलब पहले से नहीं मालूम था कि इतनी भीड़ आ जाएगी अपने नेता को बचाने के लिए। क्लियर हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, कुड हैव सीन, देखा जा सकता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। पॉलिटिक्स ऑन द आर नो आर्टिकल्स या बॉयल, अब बॉयल सुनते माइंड में क्या होगा, बॉयल का मतलब क्या होता है सर। बॉयल हिंदी में कहें तो उबालना, जैसे आप कहते हैं ना कि बॉयल कर दीजिए। और बॉयल हमारी बॉडी में जब एक फोड़ा हो जाता है रेड कलर का, तो उसको भी बॉयल बोला जाता है। लेकिन जब किसी कोई इशू बहुत उबल रहा होता है, बहुत इशू हॉट बन गया होता है, तो उसको भी बॉयल बोला जाता है। तो ये इशू तो सरकार को मालूम था, पॉलिटिक्स तभी तो हो रही थी उसके ऊपर। तो जब पॉलिटिक्स हो रही थी तो इशू वो सबको क्लियर था।